वेलकम बैक एंड वेलकम बैक माय चैनल अश्वनी। गुड इवनिंग आप सभी को, मैं नमस्ते। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और मैं माता रानी से प्रे करूंगी कि आप लोग हमेशा झेलो। और सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर जितनी ज़्यादा हो उसके प्लीज उतनी कीजिएगा। और आपने से जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो शेयर करूँ ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और आप लोग हमारे वीडियो का बस यूँ ही हमारे वीडियो के द्वारा हमसे जुड़े रहे, हमारे फैमिली मेम्बर की संख्या बढ़ी रहे। और मुझे पता है कि आप लोग हमारे और भी ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग डाला था अभी कुछ रिसेंटली, 1 वीक हो रहा है, जो कि ब्लॉग था ना लगन का। तो वो ब्लॉग में मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि अभी बारी बारी से ना हर चीज़, हर फंक्शन की वीडियो आप लोगों के बीच आएगी, मैं लेके आऊँगी। बट अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक कोई भी वीडियो आप लोगों के बीच शेयर क्यों नहीं किया। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे कि इतने टाइम में, तो मतलब जब मैंने ये वीडियो डाला था तो सभी फंक्शन ख़त्म हो जाते, बट अभी तक आप लोगों के बीच सिर्फ लगन वाला वीडियो आया है, बाकी कोई भी वीडियो आप लोगों के बीच नहीं आया है। और आप लोग के जितने भी सारे सवाल हैं ना, उन सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगी कि अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। और मैं पहले भी सोच रही थी कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, बट नहीं बता पाई अभी तक। मतलब थोड़ा सा कुछ काम में थोड़ा सा उलझे रह गए, इसलिए आप लोगों के बीच ही मतलब वो हम आप लोगों के बीच शेयर नहीं कर पाए। तो आज फाइनली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो एक्चुअली बात ये है ना कि अभी तक जो भी और भी बाकी सारे ब्लॉग्स जो फंक्शन वाले थे वो नहीं आए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों के घर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। अनहोनी, मतलब जिसका कोई एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, वो चीज़ हम लोगों को किया हुआ था। मतलब हम लोग की जो मामी है ना, वो हम लोगों के बीच अब नहीं रही। बहुत अच्छी खासी थी, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बट अचानक से ऐसा हम लोगों के साथ हो गया। तो इसीलिए जब अचानक से हो गया तो हम लोग को मतलब कुछ भी आप लोगों के बीच शेयर नहीं कर पाए। मतलब मामी की जो अंतिम विदाई होती है ना, वो भी मैं आप लोगों के बीच शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मोमेंट कुछ ऐसा था ना कि मतलब मैं उस चीज़ को कैप्चर ही नहीं कर पाई। क्योंकि मतलब एक होता है ना कि चलो भाई कुछ लंबे टाइम से बीमार हो, ये कुछ भी ऐसा नहीं था, बस अचानक से प्रॉब्लम हुई और अचानक से ही एक्सपायर कर गई। तो इसीलिए आप लोगों का सारे सवालों का जवाब तो बस मेरे एक वर्ड में आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि ये एक वर्ड आप लोगों के लिए काफ़ी है समझने के लिए कि अभी जो भी मतलब इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था और बाकी सारे वीडियो नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो उन लोगों का कारण आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आई होप कि आप लोगों के मन में कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि उनका मैंने बस एक ही वर्ड में आप लोगों को जवाब मिल गया कि हमारी मामी हमारे बीच नहीं रही। बस सभी से, सब मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, सभी मिलकर मेरी मामी की आत्मा को शांति के लिए आप लोग प्रे करें कि जहाँ भी हो बस उनकी आत्मा को शांति मिले। और अभी अब यूँ ही हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, क्योंकि अभी जो भी होता है ना कि अभी कुछ भी काम नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि मतलब इन सब में कुछ नियम होते हैं, तो वही नियम अभी हम लोगों के यहाँ चल रहा है। सभी जगह अलग अलग नियम होते हैं, बट बहुत ऐसे नियम होते हैं ना कि हर जगह एक ही जैसा होता है। जैसे कि अभी हम लोगों के घर में मोनी मामी और दीदी लोग गई है, बगल में एक है उनके यहाँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि रोटी हम लोगों के यहाँ नहीं बनता है। ऐसे जब भी कोई घटना होती है ना, तो हम लोगों के यहाँ रोटी नहीं बनता है। तो हम लोग अगर रोटी खाने का होता है ना, क्योंकि मतलब कोई भी मतलब बच्चे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो लोग मतलब रोटी नहीं, मतलब चावल हमेशा नहीं खा पाएंगे, तो रोटी हम लोग रात के लिए बनाने के लिए ना दूसरे के यहाँ जाना पड़ता है ताकि वहाँ से रोटी बना के आ जाए। तो रोटी बनाने के लिए मामी और दीदी और मोनी जाती है, घर में सब्जी बन जाता है, तो अभी हम लोग एक साथ ही इकट्ठे होकर सभी फैमिली एक साथ हैं। और आंसू भी आंगन में खेल रही है, तो चलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा बच्चे लोगों से भी मिलाते हैं, और आशु लोग जो खेल रही है ना उन लोगों को आप लोगों को दिखाते हैं। आ जाओ
इधर आ। चूहा चूहा काटो, चूहा काटो आशु को। आ जा चूहा, गरम जो भाई की। अच्छा चला मिट्टू मामा, मिट्टू चाचू, बाय बाय। चलो तो देखा आंसू भी सभी बच्चों लोगों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अभी इकट्ठे हैं तो सभी बच्चे लोग यहाँ पे हैं, और बच्चे लोगों के साथ तो बच्चे लोगों को मन ही लगता है। तो अभी आंसू वहीं पे है और वो लोग खेल रही है बच्चे लोगों के साथ, और मोनी दीदी और मतलब मामी लोग भी रोटी बनाने जो गई थी तो वो भी आ गई, क्योंकि रोटी बनाने के लिए भी टाइम पे गई थी, मतलब टाइम नहीं मतलब 4 बजे गई थी, तो अभी 6 बजने को है और मतलब सभी फैमिली का एक साथ बन रहा है, तो इसलिए अभी मना के आई है। और देखिए अभी लोग बैठ के थोड़ी बातें कर रही है, तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो पापा बोला तो पापा बोला ना आई है तो आशी को मामा मामा पिट्टी लगाएंगे पूरे तोरा निकाल लगावे भाभी बोलते न तोरा हमर फुल का ट्रांसफर कर तो ब्रेक का धा दे तो मार लगा सकते कान भेजा दीदी। मामी क्या बोलिया सुको मारवाड़ी दीदी का एग्जाम कर दे बोलियो तो मौसी को हम भेज ले सर। तो अभी सब लोग रोटी बना के आई है और यहाँ पे बैठ के थोड़ी बातें हो रही है, और आशु भी मोनी के पास यहाँ पे बदमाशी कर रही। मोनी पीछे देखो, गिरेगी आशु, उसको नीचे उतार लो, नीचे उतार लो। तो अभी सब लोग रोटी बना के भी यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, और अभी देखिए अचानक से यहाँ पे बारिश भी हो रही है। अभी थोड़ी बारिश हुई है देखिए, यहाँ पे थोड़ा बारिश हुआ है, ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है बट इतना बारिश कि मतलब थोड़ा सा यहाँ पे भींगा हुआ है। गर्मी भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, मतलब बढ़ा हुआ तो गर्मी है ही, लेकिन उधर थोड़ी सी बारिश हो जो हो रही थी ना तो मौसम अच्छा था, तो वो बारिश का भी हमारे पास है तो वो मैं आप लोगों के बीच बाद में शेयर करूँगी। और अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो पे, और आप लोग हमारी चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट्स नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो, क्योंकि अगर ये सब नहीं करोगे ना तो हमारे फैमिली है हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली हम जोड़ना है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए तब तक फिर मिलते हैं।